हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपके लिए वीडियो कंटेंट लाया हूं, डीएलएफ शेयर लेटेस्ट न्यूज स्टॉक टू बाय नाउ, एक रियलिटी सेक्टर का एक बेहतरीन स्टॉक जिसने कल अपने क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स नंबर डिक्लेयर किए हैं और अच्छे खासे नंबर्स आए हैं यहाँ पे। क्वार्टर फोर के जो एस्टिमेट्स थे उससे थोड़े बहुत आया है, कम आया है, या फिर अगर ईयर ऑन ईयर भी कंपेयर करें तो थोड़ा बहुत सेल्स में और साथ ही में नेट प्रॉफिट में आपको डिप दिखेगा। लेकिन जिस हिसाब से कंपनी ने अपने डेप रिड्यूस किए हैं अच्छे खासे लेवल्स के साथ, यहाँ पे अपनी कंपनी ने डेप को रिड्यूस किया है और कंपनी का अगर ऑर्डर बुक देखे तो काफी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है। रियलिटी सेक्टर के जितने भी क्वार्टर फोर के नंबर्स अब तक आए हैं सभी नंबर्स अच्छे आए हैं। डीएलएफ का एक पहला नंबर है जो एज पर एक्सपेक्टेशन या ईयर ऑन ईयर अगर हम देखें तो सेल्स में और नेट प्रॉफिट में डिप है, लेकिन उसके बावजूद बेस्ड ऑन ऑर्डर बुक, बेस्ड ऑन यहाँ पे उसके जो डेप रिडक्शन का प्रोग्राम चालू है उस हिसाब से डीएलएफ आने वाले दिनों में अच्छा खासा मोमेंटम देगा। और जितने लेवल से ये करेक्शन हुआ है इस स्टॉक में करीबन पिछले 10 से 15 दिनों में, अगर आप शॉर्ट टर्म व्यू के लिए भी इस पर्टिकुलर स्टॉक में इस समय इन्वेस्ट करते हैं तो अच्छा खासा मोमेंटम आने वाले दिनों में आपको डीएलएफ पे देखने मिल जाएगा। तो इस वीडियो को स्पेसिफिकली मैंने शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म के लिए लिया है और उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इस पर्टिकुलर स्टॉक को रेकमेंड कर रहा हूँ इस वीडियो में। तो जिन इन्वेस्टर्स का शॉर्ट टर्म व्यू है, ट्रेडिंग पिक चाहते हैं, यहाँ पे पोजिशनल कॉल चाहते हैं, तो डीएलएफ एक बेहतरीन पिक है। और कौन से लेवल से जहाँ पे आपको प्रॉफिट पिक करना चाहिए अगर आपका शॉर्ट टर्म व्यू है, कौन से लेवल से अगर आपका मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू है, तो ये सभी को इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, तब जाके स्टॉक का इंपॉर्टेंस आपको पता चलेगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि दिन में दो बार कुछ ना कुछ अच्छी लर्निंग्स मिले जिससे आपका पोर्टफोलियो और भी बेहतर हो सके। वीडियो की शुरुआत में मार्केट का एक ओवरव्यू ले लेते हैं। आज हमने देखा मार्केट ओपन हुआ था कि पॉजिटिव नोट से, गैप ओपनिंग हुई थी करीबन 12 बजे के आसपास, यहाँ पे कॉन्स्टेंटली अप ट्रेंड चालू था और उसके बाद कह सकते हैं यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग का माहौल देखा गया। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो आज का दिन कंसोलिडेशन फेज वाला था, लेकिन अब क्लियर कट बॉटम बन चुका है 16,200 का। जब निफ्टी 16,250 या 16,200 के लेवल्स पे आती है, बाइंग का मौका है, बाइंग कीजिए और ऊपर की तरफ आपका रेजिस्टेंस बनेगा 16,450 का। तो इस समय अगर रेंज बाउंड का है निफ्टी का तो बन चुका है बॉटम 16,200 का और ऊपर की तरफ 16,450 का। ओवरऑल काफी सारे स्टॉक्स में आज मोमेंटम देखा गया। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स अच्छा खासा कल भी मोमेंटम दिया था, आज भी मोमेंटम दिया है। MCX में कल भी अच्छे खासे मोमेंटम थे, आज भी अच्छे खासे मोमेंटम MCX में देखे गए। साथ ही मेटल सेक्टर में सुबह ओपनिंग में मूवमेंट था। बैंकिंग सेक्टर अच्छा खासा शॉर्ट टर्मिंग आज बैंकिंग का हमने देखा, एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक और साथ ही में ICICI बैंक का अच्छे खासा मूवमेंटम हमने देखे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे अगेन फार्मा सेक्टर में काफी दिनों के बाद मोमेंटम आया, सिप्ला सन फार्मा दोनों में मूवमेंटम था। इंश्योरेंस कंपनीज में अच्छा खासा सेक्टोरियल शिफ्ट देखा गया है, SBI लाइफ इंश्योरेंस, HDFC लाइफ इंश्योरेंस, LIC हाउसिंग फाइनेंस, ये सब कंपनीज में अच्छे खासा मोमेंटम आज के दिन पे हमें देखने मिले। तो ओवरऑल मैं कहूंगा स्टॉक स्पेसिफिक रहिए और रेंज बाउंड रहिए। अब यहाँ पे क्लियर कट हो गया है कि बॉटम 16,200 का है इस समय और ऊपर की तरफ 16,450 का है। ये लेवल्स को ध्यान में रखते हुए जैसे ही नीचे थोड़ा बहुत करेक्शन आता है बाइंग कीजिए और ऊपर की तरफ जैसे ही मार्केट जाता है 16,450 का अगर शॉर्ट टर्म व्यू है तो प्रॉफिट कीजिए, मीडियम टू लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दो सर्विसेज का एक ओवरव्यू ले लेते हैं जो इस वीडियो में सबसे पहले बताना चाहूंगा जो हम प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले एवरी सैटरडे यूट्यूब लाइव में जुड़ जाइए जहां पे एग्जैक्टली 45 मिनट्स के सेशन में जितना हो सके आप सभी के क्वेश्चंस और क्वेरीज को आंसर करने की कोशिश करते हैं। लाइव सेशन में कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चंस को टाइप कीजिए, लाइव सेशन में तुरंत उसी समय आपके क्वेश्चंस का आंसर लीजिए। दूसरा तरीका है एडवाइजरी स्कीम में ज्वाइन हो जाइए। 30 डेज, 90 डेज दो तरीके के पैकेज अवेलेबल है। दोनों ही पैकेजेस में पूरे महीने में 15 से 20 कॉल ऐसे दिए जाएंगे जो आप इंट्राडे बेस, डिलीवरी बेस, साथ में एफएनओ बेस काम कर पाएंगे। अगर आप इंट्राडे बेसिस पे काम कर रहे हैं, कैश इक्विटी बेसिस पे काम कर रहे हैं तो जितना हो सके ट्रेडिंग लिमिट के हिसाब से पोजीशंस को क्रिएट कीजिए। अगर आप एफएनओ सेगमेंट में काम कर रहे हैं तो एंट्री एग्जिट लेवल एक्यूरेट रखिए। जितना आप एंट्री एग्जिट लेवल एक्यूरेट रखेंगे उतना ही रिजल्ट आपका कंसिस्टेंट होगा। और साथ ही में एडवाइजरी स्कीम में आपको आपके एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो का मैनेजमेंट दिया जाएगा, कैसे अपने पोर्टफोलियो को एंट्री करना है, कैसे अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक्स को एंट्री लेना है, कैसे स्टॉक्स को एग्जिट करना है, कौन से स्टॉक्स को मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है, कौन से स्टॉक्स को शॉर्ट टर्म के लिए प्रॉफिट बुकिंग मिलाना है, ये सभी कुछ आपको आपके एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में समझाया जाएगा। हैंड होल्डिंग मिल जाएगी, मेंटरशिप मिल जाएगी और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पे स्पेसिफिकली मार्केट आवर्स के थ्रू आप हमारे फोन में हमारे साथ कॉन्टैक्ट में रह सकते हैं। तो ये
कोई भी एडवाइजरी स्कीम में प्रोडक्ट में आपको नहीं मिलेगा, जहाँ पे आप एडवाइजरी स्कीम जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उनके साथ आप फोन में कॉन्टैक्ट में रह सकते हैं इन द मार्केट आवर्स। तो इस पर्टिकुलर स्कीम का फायदा लीजिए, साथ ही में यूट्यूब लाइव में जुड़िए और अपने पोर्टफोलियो को और भी बेहतर बनाइए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डेटा जान लेते हैं कि डीएलएफ के नंबर्स कैसे आए थे और उसके बाद हम जानेंगे कैसे आपको इस पर्टिकुलर स्टॉक में, अगर आपने इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी किया हुआ है अपर लेवल्स पे, तो कौन सा लेवल्स है जहाँ पे स्टॉक को आपको होल्ड करना चाहिए, और अगर आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं किसी रियलिटी स्टॉक में जहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल है इस समय, तो उसके लिए मैं कहूंगा इस समय एक फेवरेबल स्टॉक है आपके लिए रियलिटी सेक्टर में डीएलएफ, कि यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल है। जितना करेक्शन आना था इस स्टॉक में आ चुका है, अब ज्यादा बॉटम नहीं दिख रहा है स्टॉक में, और उसी वजह से इस स्टॉक को मैं फिर से एक बार अपने चैनल पे रेकमेंड कर रहा हूँ। तो सबसे पहले नंबर्स जान लेते हैं, नंबर्स कैसे आए थे और उस हिसाब से आगे हम देखेंगे कैसे आपको यहाँ पे अपने इन्वेस्टमेंट्स को टैकल करना है। तो डीएलएफ के नंबर की बात करें तो नेट सेल्स जो इस समय आया है, कंसोलिडेटेड नेट सेल्स, वो है करीबन 1550 करोड़ के आसपास, जो पिछले साल से करीबन 9.65% डाउन है, यानी ऑलमोस्ट 10% डाउन है पिछले साल से इन टर्म्स ऑफ नेट सेल्स। पिछले साल अगर हम देखें तो नेट सेल्स था करीबन 1712 करोड़ के आसपास, इस बार नेट सेल्स हुआ है 1550 करोड़ के आसपास, यानी 9.65% सेल्स डाउन हुआ है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो पिछले साल करीबन नेट प्रॉफिट था 480 करोड़ के आसपास, इस बार नेट प्रॉफिट आया है 405 करोड़ के आसपास, यानी नेट प्रॉफिट में अगर हम देखें तो 15% की गिरावट देखी गई है। और ईबीटा की बात करें तो ईबीटा पिछले साल था मार्च क्वार्टर में 647 करोड़ के आसपास, और इस बार ईबीटा आया है 472 करोड़ के आसपास। तो सिर्फ नंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप स्टॉक में देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर यहाँ पे आपको सेल्स में 10% डाउन दिख रहा है, नेट प्रॉफिट में 15% की गिरावट है, तो आपको लगेगा ये स्टॉक में हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप कंपनी की ऑर्डर बुक देखें तो कंपनी की ऑर्डर बुक काफी स्ट्रांग है, कंपनी की ऑर्डर बुक ऑलमोस्ट फुल हो चुके हैं, और अगर हम कंपनी के प्रोस्पेक्टिव देखें तो भी ब्राइट दिख रहा है इस समय, कंपनी के फ्यूचर इम्प्लीकेशंस काफी ब्राइट है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कंपनी अपना कर्जा अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ कम कर रही है। तो जब रियलिटी सेक्टर में कोई कंपनी अपने कर्ज को कम कर रही है, यानी उस कंपनी के फ्यूचर इम्प्लीकेशन काफी स्ट्रॉन्ग ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। डीएलएफ की बात करें तो यहाँ पे जैसे मैंने कहा, सिर्फ ऑर्डर बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से और डेप रिडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो भी आपका इन्वेस्टमेंट सिक्योर रहता है अगर आप आराम से उसे होल्ड करते हैं। तो डीएलएफ की बात करें तो आज के दिन पे अगर हम देखें तो करीबन 3% का इंट्राडे हाई था, और स्पेसिफिकली अगर हम जैसे मैंने कहा कि अगर सिर्फ नंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये शायद स्टॉक को डिक्लाइन होना चाहिए था आफ्टर द नंबर्स, लेकिन स्टॉक डिक्लाइन नहीं हुआ, सस्टेन हुआ। उसका मतलब ये है कि ऑर्डर बुक की वजह से और साथ ही में जो डेप रिडक्शन प्रोग्राम है उस वजह से इस स्टॉक में आज भी तेजी बनी हुई थी। ऑर्डर बुक की बात करें तो डीएलएफ रिपोर्टेड ट्रीप सेल्स बुकिंग ऑफ 2700 करोड़ फॉर द मार्च क्वार्टर, व्हिच वाज हायर बाय 158% ईयर ऑन ईयर एंड अबव एनालिस्ट एक्सपेक्टेशंस। द स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक रिफ्लेक्ट्स द फर्म डिमांड कंडीशंस फॉर रेजिडेंशियल रियल एस्टेट इन द कंट्री। जैसे मैंने कहा, ऑर्डर बुक अगर हम देखें तो 2700 करोड़ का प्री सेल्स बुकिंग हो चुका है इन द मार्च क्वार्टर, जो पिछले साल से करीबन 158% ज्यादा है। तो एक क्लियर कट है कि ऑर्डर बुक काफी अच्छा है कंपनी का। DLF launched a plotted development project in Chennai and received a strong response resulting into bookings of ₹500 crore the company said. Chennai mein recently unhone jo project launch kiya tha wahan pe kareeban 500 crore ka unko yahan pe booking ka amount mil chuka hai. Saath hi mein UBS Securities ki baat kare to unhone ek buy rating generate kiya hai is call ko is particular stock mein after the results, aur unka target unhone diya hai 440 ke aas paas. ये सिर्फ ऑर्डर बुक के देखते हुए, साथ ही में यहाँ पे डेप रिडक्शन प्रोग्राम को देखते हुए। नेट डेप्ट अगर हम देखें तो कंपनी का, अगर डेप रिडक्शन की बात जो मैं कर रहा हूँ, करीबन 2600 करोड़ कम हुआ है पिछले साल, करीबन अगर हम देखें सेम क्वार्टर में 3200 करोड़ के आसपास था, इस बार 2600 करोड़ के आसपास है, यानी पूरे साल भर में अगर हम देखें तो करीबन 600 करोड़ का कंपनी ने डेप कम किया है। लीजिंग सेगमेंट की बात करें तो लीजिंग सेगमेंट यहाँ पे थोड़ा बहुत डाउनफॉल में देखा गया है, पिछले साल था 19,260 करोड़ के आसपास, इस बार है 19,060 करोड़ के आसपास। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे मैं कहा, ऑर्डर बुक काफी अच्छा है और डेप प्रेडिक्ट हो रहा है कंपनी का। रिजल्ट्स आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं, पिछले मार्च में 1906 करोड़ का यहाँ पे सेल्स था, इस बार है सेल्स 1652 करोड़ का। पिछले साल प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 418 करोड़, इस बार प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 307 करोड़ के आसपास।
पिछले साल अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो 480 करोड़ था, इस बार नेट प्रॉफिट की बात करें तो 405 करोड़ के आसपास है। ईपीएस पिछले साल था 1.9, इस बार है ईपीएस 1.6। तो ईपीएस में ज्यादा गिरावट नहीं देखी गई है, लेकिन बेस्ड ऑन अगर कह सकते हैं रिजल्ट्स, तो यहाँ पे रिजल्ट्स थोड़े बहुत डाउन दिखेंगे, लेकिन रिजल्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉक में इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। म्यूचुअल फंड डेटा की बात करें तो 47 म्यूचुअल फंड कंपनी ने बाय किया है, 16 म्यूचुअल फंड कंपनी ने सेल किया है, डिफरेंस बाइंग साइड में आया है और क्वांटिटी है करीबन 42 लाख क्वांटिटी ऑफ डीएलएफ स्टॉक्स हैव बीन बॉट बाय द म्यूचुअल फंड कंपनीज इन द मंथ ऑफ अप्रैल, और ये डेटा क्लियरली आपके सामने दिख रहा है। RSI इसमें 40 है, MFI 21 है, यानी दोनों ही न्यूट्रल जोन से नीचे है, लेकिन अब तक ओवरसोल्ड नहीं हुए, तो फेवरेबल लेवल है स्टॉक में आपको इस समय इन्वेस्टमेंट करना है। प्राइस एंड वॉल्यूम डेटा देखें तो 88 लाख का ट्रेडिंग वॉल्यूम है पूरे महीने में और आज के दिन पे और अगर पूरे महीने की बात करें 58 लाख का ट्रेडिंग वॉल्यूम है, जिसमें से 17 लाख क्वांटिटी की डिलीवरी क्वांटिटी देखी गई है। 5 लाख पिछले 5 दिनों का चार्ट पैटर्न देखें तो बॉटम है 317 का, 317 का, और हाईएस्ट पॉइंट आज के दिन पे था करीबन कल के दिन पे था टू बी स्पेसिफाई 344 का, और अगर इस समय अगर आप इस लेवल पे इन्वेस्ट करते हैं 330-325 के लेवल्स पे, आपका टारगेट शॉर्ट टर्म टारगेट होना चाहिए 360 का। तो 360 का टारगेट लेके अगर आप इस स्टॉक में इस समय इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आने वाले 10 से 15 दिनों में ये टारगेट इजीली अचीव होते हुए दिख सकता है। और अगर आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहे या फिर स्पेसिफिकली मीडियम टर्म लॉन्ग होल्ड करना चाहे तो टारगेट रखिएगा 400 का, और उसके बाद इवैल्यूएट कीजिए कैसे स्टॉक का मूवमेंट है, कैसे मार्केट का मूवमेंट है। इस समय इस वीडियो में मैं आपको दो टारगेट दे सकता हूं, एक है 360 का और दूसरा है 400 के लेवल्स का डीएलएफ के लिए। एक महीने का चार्ट पैटर्न देखे तो बॉटम है करीबन यहाँ पे स्पेसिफिकली 317 का और हाईएस्ट पॉइंट है 390 का। तीन महीने का हाईएस्ट पॉइंट है 410 का, बॉटम है 317 का। ओवरऑल स्टॉक बढ़िया है, बढ़िया लेवल्स पे आपको मिल रहा है, रिजल्ट्स भी डिसेंट इनफ आए हैं, ऑर्डर बुक अच्छा है, कंपनी अपने डेब्ट्स को रिड्यूस कर रही है, तो ये सब पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए डीएलएफ में जरूर आपको शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आपके स्क्रीन पे आपको मेरा मोबाइल नंबर, मेरा ईमेल आईडी, मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फ्लैश हो रहे हैं, साथ ही मेरे वेबसाइट का नाम फ्लैश हो रहा है। अगर आपको इक्विटी में, कमोडिटीज में, करेंसी में, किसी भी सेगमेंट में इन्वेस्टमेंट करना है, ट्रेनिंग लेना है या फिर ट्रेडिंग करना है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ ही में एक्जिस्टिंग पोर्टफोलियो के लिए कोई कंसल्टेशन कोचिंग की जरूरत है, वेबसाइट पर लॉग इन कीजिए, कंसल्टेशन कोचिंग कीजिए, एग्जैक्टली आपको आपके हर एक प्रॉब्लम का उस कंसल्टेशन कोचिंग में सोल्यूशन मिल जाएगा। थैंक यू।